हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये हमारी चर्चा आपके साथ जो चल रही है ये दैनिक राशिफल को लेकर के है, और दैनिक राशिफल से पहले आपको जानकारी देंगे पंचांग के विषय में और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और दैनिक राशिफल दोनों ही 25 फरवरी सन 2022 दिन शुक्रवार संवत 2078 का है। हिंदी का महीना फाल्गुन, पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि नवमी और नक्षत्र होगा ज्येष्ठा, योग वज्र और करण गर, राशि वृश्चिक, लेकिन चंद्रमा आज दोपहर 12:07 पर धनु राशि में करेंगे प्रवेश। राहु काल का समय रहेगा प्रातः 11:13 से लेकर दोपहर 12:40 तक, और इस समय अवधि में आप कोई भी शुभ कार्य ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है इस राहु काल की समय अवधि में। लेकिन अगर राहु काल या कोई भी अशुभ समय है और उसकी जो अशुभ समय अवधि है, अगर उसी में ही अभिजीत मुहूर्त जैसा कोई शुभ मुहूर्त भी बनता है तो हमें उस अशुभ मुहूर्त का ध्यान नहीं रखना चाहिए। हमें सिर्फ अभिजीत मुहूर्त या कोई ऐसा ही कोई और अच्छा शुभ मुहूर्त अगर है तो उसी के आधार पर हमें अपना कार्य करना चाहिए। और ऐसा मान्यता है हमारे शास्त्रों में कि जब जिस समय अवधि में कोई अशुभ मुहूर्त होता है और उसी समय अवधि में अगर कोई बड़ा शुभ मुहूर्त भी हो तो वो जो अशुभ मुहूर्त होता है उसका परिहार हो जाता है, वो उसको समाप्त माना जाता है, उसका कोई असर नहीं होता, वो बेअसर होता है। अभिजीत मुहूर्त का जो समय अवधि है दोपहर 12:16 से लेकर दोपहर 1:04 तक, और इस समय अवधि में आप अपना कोई भी शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी जानकारी पंचांग की जो अभी हमने आपको दी। अब हम बात करेंगे आपसे आपके दैनिक राशिफल को लेकर के, और आरंभ करेंगे मेष राशि से यानी एरीज साइन। तो साथियों, अपनी सेहत की बेहतरी के लिए आप अपने खान पान में सुधार करें और अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। आप घूमने फिरने और पैसे खर्च करने के मूड में आज के दिन रहने वाले हैं, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो बाद में फिर आपको इसके लिए थोड़ा पछताना भी पड़ सकता है, क्योंकि आपको हो सकता है धन का अभाव, धन की कमी महसूस कर सकते हैं आप। घर में कुछ बदलाव लाने के लिए पहले बाकी जो घर के दूसरे सदस्य हैं उनसे भी राय मशवरा अगर कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज के दिन आप अपने जो आपका अपना प्रिय है उसको बहुत याद करने वाले हैं, अपने जो आपके बॉस हैं या जो आपके सीनियर्स हैं उनको घर पर बुलाने के लिए दिन आज का अच्छा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो यात्रा के मौकों को हाथ से बिल्कुल नहीं जाने दें। अगर कोई यात्रा का अवसर प्राप्त होता है तो यात्रा अवश्य करें, यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। उपाय आप कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान के नियमित दर्शन करने से एवं उनको आप प्रसाद अगर चढ़ाते हैं तो आपका जो जीवन है वो उन्नत होगा, समस्याएं आपकी दूर होंगी जीवन से संबंधित, और प्रेम संबंध भी आपके बेहतर होंगे। शुभ रंग आपके लिए है आसमानी आज, और शुभ अंक आपके लिए है आज 7। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन। साथियों, आपका गुस्सा राई का पहाड़ बना सकता है जो आपके परिवार को भी नाराज कर सकता है। वे लोग खुशकिस्मत हैं जो अपने गुस्से पर काबू रख सकते हैं। इससे पहले कि आपका गुस्सा आपको खत्म करे, आप उसको खत्म कर दें। आज आप काफी पैसे बनाने वाले हैं, लेकिन इसे अपने हाथों से मौके को फिसलने ना दें। दोस्त, आपके मित्र और घर वाले आपको प्यार और पूरा सहयोग देने वाले हैं आज के दिन, और आज के दिन आपकी किसी से आंखें भी चार होने की पूरी संभावना बनती है। अगर आप यात्रा कर रहे हैं साथियों, तो सभी
जितने भी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने साथ रखना ना भूलें। उपाय आप कर सकते हैं दूध में हल्दी मिलाकर के पीने से एवं नहाने वाले पानी में भी हल्दी की एक चुटकी मिलाकर के स्नान करने से पारिवारिक जीवन आपका सुखद होगा। शुभ रंग आपके लिए है संतरी और शुभ अंक आपके लिए है आज 4। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन, साथियों कानूनी मामलों के कारण तनाव आज के दिन हो सकता है कुछ आपको, लेकिन पैसे के लेकर के स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी, बशर्ते कि आप पारंपरिक तौर पर अपने पैसे का निवेश करें और अपने पैसे की सेविंग करें। दिन के दूसरे हिस्से में कुछ दिलचस्प और रोमांचक काम करने के लिए समय बहुत अच्छा है। कामकाजी लोगों को हाल की उपलब्धियों के लिए अपने जो साथ जो काम करने वाले कर्मचारी हैं या उनके सहयोगी हैं उनसे आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा और उनसे आपको पूरी मदद भी मिलेगी। और निर्णय लेते समय अपने अहम को बीच में बिल्कुल भी ना आने दें, ईगो को ना आने दें। और जो आपके जूनियर सहकर्मी हैं वे जो बोलते हैं जो आपसे बताते हैं उनको भी गौर से सुने। जरूरतमंदों की मदद करने की जो आपकी स्पेशलिटी है वो आपको आज के दिन आपके सम्मान में वृद्धि करा सकती है। उपाय आपने करना है गर्म मसाले और सूखे मेवे, शहद, गुड़ का प्रयोग खाने में करें। आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए बहुत उपयुक्त उपाय है। शुभ रंग आपके लिए है आज हरा और शुभ अंक आपके लिए है आज 2। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन, ऐसी गतिविधियों में आप अपने आप को इन्वॉल्व रखें जो आपको सुकून दे सकते हो। केवल एक दिन को नजर में रखकर जीने की अपनी आदत पर भी थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जरूरत से ज्यादा वक्त व पैसा अपने मनोरंजन पर खर्च ना करें, एक लिमिटेड मात्रा में ही खर्च करें। छोटे भाई बहन आपसे कुछ सलाह मशवरा कर सकते हैं और एक प्यारी सी मुस्कुराहट से आप अपने प्रेमी का दिन काफी रोशन कर सकते हैं। आज कुछ ऐसा दिन है जब चीजें उस तरह से नहीं हो पाएंगी जैसा कि आप चाह रहे हैं। उपाय आप कर सकते हैं भगवान शिव जी, भैरव और हनुमान जी की पूजा करना या उनके दर्शन करने से मात्र से भी आपकी परेशानियां, आपकी समस्याएं उनका समाधान हो सकता है और पारिवारिक जीवन जो है वो आपका पटरी पर आएगा। आज का शुभ रंग आपके लिए है सफेद और शुभ अंक आपके लिए है 6। सिंह राशि यानी कि लियो साइन, आज आप खेल कूद में हिस्सा ले सकते हैं जो आपको काफी तंदुरुस्त बना करके रखेगा और अतिरिक्त धन को रियल एस्टेट में निवेश किया जा सकता है। आपके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा मनी है तो आप उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। और जो नवयुवक हैं उनको स्कूल प्रोजेक्ट से संबंधित कुछ राय लेने की जरूरत पड़ सकती है। आपके जहन में काम का दबाव होने के बावजूद आपका जो प्रिय है आपके लिए खुशी के पलों को लेकर के आने वाला है, भले ही छोटी मोटी बाधाओं का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन कुल मिलाकर यह दिन आपको कुछ उपलब्धियां भी दे करके जा सकता है। आप अपने उन सहकर्मियों का विशेष ध्यान रखिएगा जो उम्मीद के मुताबिक चीज ना मिलने पर थोड़ा जल्दी फील कर जाते हैं, बुरा मान जाते हैं। उपाय आप कर सकते हैं आर्थिक स्थिति को अपनी मजबूत करने के लिए साधु संतों की जितनी अधिक सेवा करेंगे उतना ही आपको इसके अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। शुभ रंग आपके लिए है सलेटी और शुभ अंक आपके लिए है 9। कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन, तो साथियों आपको कोई गलत जानकारी भी मिल सकती है जिसके चलते हुए आप थोड़ा सा टेंशन में आ सकते हैं और जो भी धन आपको प्राप्त हुआ है आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होगा, यानी कि जो धन आज आपको प्राप्त होने वाला है या हुआ है वो आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं है या नहीं होगा। अगर आप सामूहिक गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं या लेते हैं तो आप के कुछ नए मित्र भी बन पाएंगे। अपने प्रिय को आपको खुश करना आपके लिए थोड़ा सा आज के दिन मुश्किल भरा साबित हो सकता है और शहर से बाहर यात्रा आपके लिए कुछ ज्यादा आरामदेह नहीं रहने वाली, लेकिन आवश्यक जान पहचान बनाने के लिहाज से फायदेमंद साबित हो सकती है।
उपाय आपने करना है, काले ऊनी कंबल का दान किसी गरीब व्यक्ति को करने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। शुभ रंग आपके लिए है केसरी और शुभ अंक आपके लिए है आज 3। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन। देखिए साथियों, भाग्य पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं रहना चाहिए व्यक्ति को, और अपनी सेहत को सुधारने की भी कोशिश साथ साथ जरूर करनी चाहिए। हम आपसे ये बात कहना चाहते हैं, क्योंकि किस्मत खुद बहुत आलसी होती है। साथियों, आप अपने प्रिय की बाहों में आराम महसूस करने वाले हैं। मुश्किल मामलों से बचने के लिए आपको अपने संपर्क जो हैं, जो आपके बनाए हुए हैं, उनके उपयोग करने का समय है। उपाय आप ये करें कि हल्दी की एक गांठ, पीपल के 5 पत्ते, 1.25 किलो पीली दाल और केसर, और साथ में सूर्यमुखी का 1 फूल और पीले वस्त्र, यह सारी सामग्री किसी ब्राह्मण को अपने पूरी श्रद्धा भाव के साथ दान करें। आपका पारिवारिक जीवन समस्याओं से आपको निजात दिलाएगा। आपकी जो पारिवारिक समस्याएं हैं वो आपकी दूर होंगी। शुभ रंग आपके लिए है आज नीला और शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 5। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन। आज के दिन आपके चेहरे पर मुस्कान बिखरी रहेगी साथियों, और अजनबी भी जाने पहचाने से महसूस होंगे। आपका जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप ऑर्नामेंट्स, गोल्ड जैसे ऑर्नामेंट्स या एंटीक्स में करते हैं, तो आपके लिए लाभ का सौदा सिद्ध होगा। आपकी सहानुभूति और समझता, जो समझदारी है, उसके द्वारा जो भी आप कार्य संपन्न करेंगे उसके लिए आपको कोई अवार्ड आदि भी मिल सकता है। लेकिन आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि जल्दबाजी में लिया हुआ कोई भी फैसला या निर्णय आप पर थोड़ा सा आप दबाव में आ सकते हैं, उसके कारण दबाव बन सकता है आप पर। अपने साथी के साथ बाहर जाते समय ठीक तरह से व्यवहार करना ज्यादा उचित रहेगा, और संयम और साहस का दामन आपने नहीं छोड़ना चाहिए। विशेष तौर पर जब दूसरे आपका विरोध कर रहे हो, जिसकी कामकाज के दौरान काफी संभावना भी है। यात्रा आपके लिए आनंददायक है अगर आप करते हैं तो, और उसका लाभ भी प्राप्त होगा। उपाय आप करिएगा, अच्छी सेहत के लिए पूर्व की ओर मुख करके भोजन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होता है। शुभ रंग आपके लिए है आज पीला और शुभ अंक आपके लिए है आज 6। धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस साइन। तो साथियों, लंबी बीमारी को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें आप, नहीं तो आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है। तनाव का दौर बरकरार रहेगा, लेकिन पारिवारिक सहयोग मदद देगा। झूठ बोलने से आपको बचना है, क्योंकि यह आपके प्रेम संबंधों को बिगाड़ सकता है। आज के दिन जीवन साथी पर किया गया संदेह आने वाले दिनों में आपके वैवाहिक जीवन पर काफी बुरा प्रभाव डाल सकता है। उपाय आप कर सकते हैं, चारपाई के पायों में तांबे की 4 कील गाड़ने से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। छोटी छोटी कील आप गाड़ दीजिए, बहुत छोटी छोटी। शुभ रंग आपके लिए है आज गुलाबी और शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 2। मकर राशि कैप्रिकॉर्न साइन। देखिए, ठूस ठूस कर खाना खाने से या जरूरत से ज्यादा खाना खाने से जो कैलोरीज होती हैं बॉडी में वो बढ़ती हैं, और भी बहुत चीज़ें उसके साइड जो इफेक्ट्स हैं वो अच्छे नहीं होते। आप बेशक थोड़ा कम खा लें वो ज़्यादा अच्छा, लेकिन ठूस ठूस करके खाना हमेशा स्वास्थ्य के लिए, ये बहुत इसके दुष्प्रभाव देखने में उस समय तो आपको नहीं पता लगता, लेकिन इसके जो है बहुत ही स्लो रिजल्ट्स, बहुत धीरे धीरे बॉडी पर इसका इफेक्ट पड़ता है, और जब ये इनके रिजल्ट सामने आते हैं तो व्यक्ति घबरा जाता है, क्योंकि एक साथ कई सारी समस्याएं बॉडी में पैदा हो जाती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, कैलोरीज बढ़ना, शुगर का होना, डायबिटिक होना, यूरिक एसिड बढ़ जाना, एक साथ कई सारी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। तो अगर आप इस बैड हैबिट से बचें तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। बेशक थोड़ा कम खा लीजिए, लेकिन ज्यादा, जरूरत से ज्यादा खाना ये कभी भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं होता है, ये जान लें।
और जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के कुछ नए रिसोर्सेस मिल सकते हैं, पता लग सकता है। अपने बच्चों के साथ एक दोस्ताना रिश्ता आप को विकसित करना चाहिए। पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे आने वाले अच्छे समय की ओर आपको देखना चाहिए। और आपकी कोशिश है, जो आप कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनके भी अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आप अपने प्रति अपने साथी के प्यार को भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं और समझेंगे, क्योंकि जीवन के एक विशेष पहलू के लिए समय थोड़ा कठिन हो सकता है। देखिए, अपने समय की कीमत जानिए, समय बहुत अनमोल है और अपना जो ये बहुमूल्य समय है, बेशकीमती समय है, इसको गप्पबाजी या इधर उधर फिजूल की बातों में करने से बचना चाहिए। आपको अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। उपाय आप करें, एक मुखी रुद्राक्ष को सफेद धागे में धारण करने से आपकी धन की स्थिति बेहतर होगी। शुभ रंग आपके लिए है भूरा और शुभ अंक आपके लिए है आज एक। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन, पेट के रोगों खास तौर पर गैस के मरीजों को तले हुए या चिकनाई से भरे हुए जो भोजन है उनसे दूर रहने की आवश्यकता है, वरना आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, अपच जैसी, एसिडिटी की, इस तरीके की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपके प्रियजन आपसे आज के दिन काफी खुश रहेंगे और आपको शाम के लिए उनके साथ कोई योजना कहीं घूमने फिरने जाने के लिए बनानी भी चाहिए। आज के दिन आप अपने प्रिय को काफी याद करने वाले हैं और बिना गहराई से समझे बूझे किसी व्यवसायिक या कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर बिल्कुल ना करें। नए विचारों या आइडिया, कोई नया, उसको जांचने का भी बहुत ये सही वक्त है। कोई भी अगर आइडिया आपके पास आता है या कोई भी विचार आते हैं तो उनको अच्छी तरह से जांचें। उपाय आप कीजिएगा, रोजगार या व्यापार में तरक्की अगर करना चाहते हैं तो घर के कच्चे स्थान में तुलसी का पौधा जरूर लगा लें। शुभ रंग आपके लिए है ग्रे, शुभ अंक आपके लिए आज आठ। मीन राशि यानी के पाइसिस साइन, आर्थिक समस्याओं ने रचनात्मक सोचने की जो आपकी कैपेसिटी है उसको बिल्कुल प्रभावित करके रखा हुआ है। नाती पोतों से आज काफी आप उनके साथ घुल मिल करके आनंद महसूस करेंगे, आपको खुशी मिल सकती है। अपने संबंधों में यथार्थवादी बनने की भी आपको कोशिश करनी चाहिए। आज के दिन कुछ भी करने के लिए अपने साथी पर दबाव बिल्कुल ना बनाएं, अन्यथा आपके दिलों में थोड़ी दूरियां बन सकती हैं। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो भी अपने जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो जरूर साथ रखें, कहीं ऐसा ना हो उनमें से कुछ एक आधा डॉक्यूमेंट मिसप्लेस ना हो जाए, इसकी संभावना है, इसलिए हम आपको ये सचेत कर रहे हैं। यहाँ पर उपाय आप ये कीजिए कि पार्टनर से अपने प्रेम संबंधों को अच्छा रखना चाहते हैं तो गुरु, जो आपके गुरु हैं, टीचर जिनको आप अपना गुरु मानते हैं, या पिता को गुलाबी रंग के वस्त्र भेंट करें। लकी नंबर यानी कि शुभ अंक आपके लिए आज छह है और शुभ रंग आपके लिए आज मैरून। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप 12 राशियों के जो जातक हैं उनका दैनिक राशिफल दिनांक 25 फरवरी दिन शुक्रवार का। अब समय आ गया है कि हम आप सभी से इजाजत लें और अपनी वाणी को भी विराम दें। तो प्रिय साथियों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।